गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है यूनिट सेकंड का वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो है संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, इसका निर्वाचन, इनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री, उनकी स्थिति और उसके कार्य। देखिए, सबसे फर्स्ट हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, आपको पता है भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा संवैधानिक प्रधान होते हैं। संवैधानिक प्रधान मतलब भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा का और सम्मान का पद है, ये एक संवैधानिक प्रधान है देश का। और जो प्रधानमंत्री है वह उसका मंत्रिमंडल, ये वास्तविक होते हैं। मतलब शासन की जो शक्तियां हैं उनका वास्तव में जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है उसमें आपको यही बताना है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है और कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा और सम्मान का पद है और देश का जो प्रथम नागरिक है वो भी किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। मतलब अगर आप प्रोटोकॉल में वरीयता क्रम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति जो होता है उसका सर्वोच्च स्थान है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है संविधान का जो अनुच्छेद है 52, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत जो है उसका एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में कहा गया है। 53 जो है अनुच्छेद, उसमें क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दो अनुच्छेद 52 और 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 54 और 55 उसमें इसके निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन का जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 54 में और 55 में, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचक मंडल जो होता है ये संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर के बनता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय आनुपातिक
मत प्रणाली। इस प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन होता है और इसके अंदर जो विजयी उम्मीदवार है उसको कुल जितने भी वैध मत पड़े होते हैं उनके आधे से एक मत अधिक प्राप्त करना होता है, मतलब न्यूनतम कोटा, इसको बोलते हैं 50+1, आधे से एक अधिक, इसको न्यूनतम कोटा बोला जाता है, ये प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया है वो मैं आपको नेक्स्ट उसके अंदर बताऊंगी, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए आप लोगों को, तो इसके निर्वाचन को अच्छे से एग्जाम्पल सहित मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पूरा लेक्चर वो उसी से रिलेटेड होगा, तो अभी आप ये शॉर्ट में ये लिख लेंगे। इसके बाद कार्यकाल है, तो राष्ट्रपति जो है उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स का होता है और अगर वो चाहें तो वो पुनः भी चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर उनको अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति जो है उनको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, फिर है महाभियोग की प्रक्रिया। देखो, अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध में कोई कदाचार या अपने पद का दुरुपयोग या फिर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगता है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था कि किन किन स्थितियों के अंदर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शक्तियों के दुरुपयोग, कदाचार और संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर विशेष प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं महाभियोग। ये ध्यान रखना है कि जो महाभियोग है इसका जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आप लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ला सकते हैं, बस राष्ट्रपति को क्या करना है, जिसके विरुद्ध में आप ये प्रस्ताव ला रहे हैं उसको 14 डेज पहले सूचित करना आवश्यक होता है। फिर जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसमें सदन की जो कुल सदस्य संख्या होती है उसके 2/3 सदस्य जो हैं उनसे ही बहुमत जो है वो पारित होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना कि 1/4 सदस्य जब हस्ताक्षर कर देते हैं तब महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और 2/3 सदस्य जब उसको पारित कर देते हैं तो वो प्रस्ताव पारित माना जाता है। मान लीजिए इस किसी भी रीज़न से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराने जो है वो आवश्यक होते हैं, और जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो केवल बची हुई अवधि के लिए नहीं बनेगा बल्कि पूरे 5 ईयर्स के लिए बनेगा। ठीक है, फिर इसकी कुछ योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु है 35 ईयर्स की, 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 50 जो सदस्य हैं उनके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए उसका नाम, और 50 सदस्य जो हैं उन्हीं के द्वारा नाम जो है वो अनुमोदित होना चाहिए, मतलब कि आपको पता है MP और MLA ये मिलकर के राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं, तो ये MP और MLA में 50 सदस्य जो हैं वो तो नाम का प्रस्ताव रखेंगे, नाम का प्रस्ताव रखें 50 सदस्य, और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा है उनके अलावा जो 50 सदस्य हैं वो उस नाम का अनुमोदन करें, उसको स्वीकृति दें, तब जाकर के वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। और राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि है उसको अब 15,000 रुपये कर दिया गया है जमानत राशि। देखो, ये जमानत राशि इसमें ये रहता है कि अगर वो वोटों का कुछ प्रतिशत है अगर उतना प्राप्त नहीं कर पाता है राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार जो खड़ा है तो उसकी ये जमानत राशि जब्त हो जाती है, मतलब वापस नहीं मिलते हैं उसको ये पैसे, तो ये इतनी ज़्यादा इसलिए की गई है जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि योग्य नहीं है वो इस पद पर खड़ा ना हो। पहले क्या होता था, हर कोई राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए जमानत राशि और अनुमोदित और प्रस्तावित सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, फिर वेतन भत्ते वगैरह जो हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 11 सितंबर 2008 को अगर अपन देखें तो वहाँ उससे राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये निर्धारित किए गए थे, लेकिन वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5,00,000 रुपये हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, करंट इसको सही करना है, बुक में शायद गलत दे रखा है,
और जब तक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहता है तब तक आप उसके विरुद्ध में कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, उसकी गिरफ्तारी का कोई भी वारंट जो है वो नहीं निकाला जा सकता है, मतलब आप उसको यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 2 महीने का नोटिस दिए जाने के बाद में ही राष्ट्रपति के विरुद्ध में कोई दीवानी कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। और पूर्व राष्ट्रपति की मान लीजिए मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी जो है उनको सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली जो पेंशन होती है उसकी आधी राशि और जो आवास होता है वो आजीवन प्राप्त होता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति भवन है वो आपके रायसीना हिल्स दिल्ली में है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है छरबरा उसमें उनको ग्रीष्मकालीन अवकाश भी दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के अंदर राष्ट्रपति लिनियन में भी उनका आवास स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? राष्ट्रपति लिनियन, यहाँ पर भी उनका आवास है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की कुछ उन्मुक्तियाँ वेतन हैं। बाकी कल हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विवेचन करेंगे। थैंक यू।